डेफिनेशन तक तो किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर दिए अल्फा कोमा बीटा फिक्स पॉइंट रेडियस है आर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे बनेगी? एक मूविंग पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये सर्कल, ये डिस्टेंस आर, ये वाला पॉइंट अल्फा कोमा बीटा, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसके हमेशा सेंटर से डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी या चेंज होगी? सेम रहेगी, इट मीन्स एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, इसमें किसी को कोई डाउट है? सेंटर दिया हो, रेडियस दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये, इसका एक्सपेंड कर दो, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई प्लस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे बनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मैं एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, जनरल इक्वेशन। देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, वन, तो एक इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस सॉरी टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक जनरल टू डी इक्वेशन लिखिए, ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट तो वन दिया हुआ पहले से ही, ठीक है, इसके अंदर सेंटर क्या है, अल्फा कॉमा बीटा, मतलब एक्स के कोफिशियंट का हाफ का नेगेटिव। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, तो अल्फा क्या है, सेंटर, तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का जी और बीटा इज इक्वल टू माइनस का एफ, और ये कॉन्स्टेंट टर्म सी किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, तो क्या आएगा जल्दी बताओ, क्या आएगा, सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन का सेंटर तो क्या बन जाएगा, ये वाला, और रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये फिर से एक्सप्लेन करो, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, सर जो आप अभी करा रहे हो, मैं बोला हूं कि एक जनरल इक्वेशन लिखिए, ठीक है, अगर ये सेम सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे तो दोनों इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए, सेम, एक्स स्क्वायर इक्वल है, वाई स्क्वायर इक्वल है, इसका मतलब टू जी एक्स है, तो माइनस टू अल्फा एक्स के इक्वल होगा, वहां से अल्फा किसके इक्वल आ गया, माइनस जी के, माइनस टू बीटा वाई किसके इक्वल होगा, टू एफ वाई के, तो बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ के, सी ये टर्म है तो सी वाला टर्म इसके इक्वल, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर, या फिर इस वाले पार्ट को इधर लेके आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, रेडियस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी, अल्फा और बीटा यहाँ से पुट किया तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी और इसका रूट। इसी से कैलकुलेट क्या किया अपन ने, कि अगर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे ऐसी,
तो या तो आपको इसको x के टर्म्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, y के टर्म्स में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करो, इस फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लो। वहां से आपको x माइनस अल्फा या x प्लस अल्फा जैसी भी इक्वेशन बनती है, कंपेयर करके आपको सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। तो जब अगर ऐसी इक्वेशन लिखिए तो उसका सेंटर क्या बनेगा, सेंटर बनेगा माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ, और रेडियस क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट। अगर कोई भी एक इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो, पहली कंडीशन क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशियंट वन हो, फिर इस से तो क्या निकल जाएगा, माइनस का जी कि एक्स के साथ जो भी दिया है उसका हाफ करना, उसका नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के साथ में जो भी लिखा हुआ है टू एफ उसका हाफ करना है एफ, उसका नेगेटिव लिया, ये तो बन जाएगा सेंटर। और रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूट के इक्वल उसकी रेडियस होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें कुछ। इक्वेशन लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पहला। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू प्लस फोर एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, आपको इनकी रेडियस एंड सेंटर दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है जल्दी से करो। What will be the center and radius of the circle? जल्दी करो,
टू कॉमा माइनस वन एंड रेडियस इज इक्वल टू टू. नेक्स्ट माइनस वन एंड थ्री बाई फोर आर इज इक्वल टू थ्री बाई फोर. चलो करते हैं चेक सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. ठीक है, इसको किससे कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से. जी की वैल्यू आई माइनस टू, एफ की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस जी कॉमा माइनस एफ. वैल्यू पुट की तो कितना गया, टू कॉमा माइनस वन. रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी जी का स्क्वायर. तो टू का स्क्वायर प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर माइनस का वन और रूट ये आ जाएगा टू. फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है, सेकेंड पार्ट देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को टू से डिवाइड करूंगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई टू वाई प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो. कंपेयर किया जी की वैल्यू वन और एफ की वैल्यू आई माइनस का थ्री बाई फोर, सी की वैल्यू वन. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, माइनस करना माइनस का वन और थ्री बाई फोर. रेडियस क्या आ जाएगी, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर और माइनस वन का रूट. तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री बाई फोर. किसी को कोई डाउट है फर्स्ट और सेकंड, है किसी को कोई डाउट, थ्री बाई फोर कैसे है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर का स्क्वायर. अच्छा थ्री बाई फोर कैसे है, यह माइनस थ्री बाई टू वाई इज इक्वल टू टू एफ वाई, वाई से वाई कैंसिल, एफ इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई फोर आ गया. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स में माइनस एफ आए थे तो थ्री बाई फोर. क्लियर है, y के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसका हाफ और उसका नेगेटिव, लेकिन कंडीशन वही रहेगी क्या, कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशियंट सेम हो और क्या हो, वन हो. नेक्स्ट एग्जांपल, इफ वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा फोर आर एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर. देन फाइंड the equation of circle. कि आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है और डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं.
x square plus y square minus का 4x minus का 6x और plus 11 कुछ नहीं करना। देखो डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स दिए तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या है, कोई भी सर्कल बना हुआ है ठीक है, सेंटर से क्या होगा हमेशा डायमीटर पास होगा। एक पॉइंट दिया है 1, 2, एक दिया 3, 4, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा सेंटर। तो सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं 3 + 1, 4, 2, 3 इसका सेंटर आ जाएगा ठीक है। इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, रेडियस आ जाएगी ठीक है। एक तो वो तरीका है, क्या बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर है अगर, ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 9 और 4 13 माइनस 2 ये तो आ जाएगा 11 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये। तो 2, 3 कैसा है, मिड पॉइंट है ना। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है सेंटर। 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है, डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स दिए हैं x1, y1 एक दिया है x2, y2 तो मिड पॉइंट सेंटर क्या बन जाएगा इसका। अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं ये दोनों तो सेंटर बन जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 और y1 माइनस y2 सॉरी प्लस डिवाइड बाय 2 ये तो बन जाएगा सेंटर। रेडियस कैसे कैलकुलेट करें, किसी एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट से क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 इसका स्क्वायर इस आ जाएगी इसकी रेडियस ठीक है। तो सेंटर कैलकुलेट किया, रेडियस कैलकुलेट की, वैल्यू पुट कर दी। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखूं जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं ये वाले, तो सर्कल की इक्वेशन बनती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू जो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में जो इक्वेशन आएगी
आएगी एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू में प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब। कैसे करेंगे? एक्स कॉमा वाई क्या है? मूविंग पॉइंट है, उसकी इससे डिस्टेंस और इससे इस पॉइंट से डिस्टेंस किसके को लाएगी? रेडियस के। अप्लाई करो, लास्ट में जब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे उसके। ठीक है, आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हो, आप 1,2 और 3,4 यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करो, सेम इक्वेशन बने। किसी को कोई डाउट है? अगर डायरेक्ट करना है तो इस मेथड से कर सकते हो कि डायमेट्रिक फॉर्म कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं x1 x2 और y1 y2 की वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, सेम इक्वेशन बनेगी। अदरवाइज आप लॉजिक अप्लाई करो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए, सेंटर कैलकुलेट करो, रेडियस कैलकुलेट करो और उसी इक्वेशन में पुट कर दो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में थी। दोनों तरीके से कर सकते हो, किसी को कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट आता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब क्या है? ऐसे एक सिंपल ले लेता हूं, ये वाला बना हुआ सर्कल, ठीक है, ये एंगल इसके साथ है थीटा, ये डिस्टेंस है आर। कोई मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएगा क्या बनेंगे? ये डिस्टेंस आर है, ये एंगल थीटा है, इसके साथ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने आप कितने होंगे? वेरी गुड, क्या आएगा? आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर कोस थीटा कौन सा बन जाएगा? ये वाला पार्ट बनेगा? नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस कोस थीटा, आ जाएगा साइन थीटा। तो किसी भी पॉइंट के सर्कल पे स्टैंडर्ड सॉरी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर कोस थीटा, आर साइन थीटा। तब जब सेंटर क्या हो? 0,0। अगर सेंटर कर दिया x1,y1 तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का मतलब है जितना एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग उस पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होंगे। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कल सॉरी सम स्पेशल केसेस, पहला केस सेंटर इज ओरिजिन, तो क्या जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड केस सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो तो, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? अल्फा कोमा बीटा। सर्कल बना देता हूं, ठीक है, ये मान लो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, यहां पर ओरिजिन है कि ओरिजिन से पास कर रहा है,
ये सेंटर है, सेंटर से ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस। अगर ये अल्फा कोमा बीटा है तो रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट। सर लास्ट के कोऑर्डिनेट्स रिपीट कर दो, लास्ट के कौन से, पैरामेट्रिक वाले नकुल, करता हूं इस केस, इन केसेस के बाद बता देता हूं। रेडियस कितनी आ जाएगी, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो। मीनिंग क्या है कि जैसे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अगर सर्कल ओरिजिन से पास करेगा। अगर सेंटर ही उसका ओरिजिन है तो एक्स की टर्म और वाई की टर्म नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इनिशियल डिसाइड होता सेंटर, तो ये पार्ट जीरो। थर्ड केस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को किस केसेस में टच कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर भी सर्कल हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो एक कंडीशन के कितने केस बनेंगे, चार, ठीक है। जैसे मान लो कि इसका सेंटर में एक बार कैलकुलेट कर देता हूं, अल्फा कोमा बीटा, इसका क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा माइनस बीटा, इसका क्या होगा, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, और इसका सेंटर क्या आएगा, माइनस अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या रहेगी, रेडियस, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, बीटा के। तो सर्कल की इक्वेशन इसमें क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू अल्फा एक्स माइनस टू बीटा, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितनी है इसकी, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, बीटा स्क्वायर। इस वाले में क्या बन जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इस केस में क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। इसमें क्या बन जाएगा, एक्स प्लस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। चेक करो, एक्स एक्सिस को चार केसेस में टच कर सकते हैं। अगर इसकी एक ही फॉर्मेट में लिखो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। चार इक्वेशन बनेगी ना, ये प्लस का प्लस माइनस और माइनस प्लस और दोनों माइनस का। ये क्या बन, कौन सा स्पेशल केस है, जब सर्कल क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। सर सेकंड रिपीट कर दो, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, सेकंड वाला अक्षत गुप्ता, राइट साइड वाला विजिबल नहीं है, सारा विजिबल है, कंप्लीट है, देखना उससे आगे कुछ नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर टिक मारा यहीं तक तो। अक्षित गुप्ता, सेकंड वाले में क्या है कि सेंटर तो अल्फा कोमा बीटा ही है, लेकिन सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो रेडियस आर किसके इक्वल आ जाएगा, इस पॉइंट की, इस पॉइंट से डिस्टेंस, आर कैलकुलेट कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरफ आएगा, कैंसिल, रिमेनिंग टर्म लिखिए। अक्षित गुप्ता, क्लियर है, किसी को इन तीन केसेस में कोई डाउट है,
है किसी को डाउट? सर सेकंड केस में एक्स वाई जीरो होंगे? नहीं, सेंटर तो अल्फा कोमा बीटा है, सर्कल जीरो कोमा जीरो से पास कर रहा है। यहाँ पे सेंटर इज ओरिजिन, यहाँ पे लिखा हुआ सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन, तो सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आएगा, मतलब रेडियस कैलकुलेट करने के काम आएगा, वहां आर की जगह ये बन जाएगा। नकुल क्लियर है? चलो अच्छा, फोर्थ फोर्थ में क्या जाएगा? सर्कल टचेस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को किस केस में टच करेगा? सर्कल इधर बना होगा, एक सर्कल इधर बना होगा, ऐसे बनेंगे ना, चार केस बन सकते हैं, ठीक है। इसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा, यहाँ डिस्टेंस क्या जाएगी? अल्फा, इसका सेंटर माइनस अल्फा कोमा बीटा, इसका सेंटर क्या आएगा? माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसका सेंटर क्या आ जाएगा? अल्फा कोमा माइनस बीटा। कंडीशन सबकी सेम है, जैसी एक्स एक्सिस के लिए थी वैसे ही वाई एक्सिस के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ रेडियस चेंज हो गई, उसमें बीटा थी, इसमें क्या है? अल्फा। तो इसकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में बन जाएगी? एक्स प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर और प्लस वाई प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, उस केस में अल्फा बीटा स्क्वायर था, इस केस में क्या जाएगा? अल्फा का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है? फोर्थ केस में किसी को डाउट है? लास्ट वन, फिफ्थ, फिफ्थ वाला दिया है, सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेक इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस a एंड b रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि ऐसा कुछ एक सर्कल बनेगा जो क्या करेगा, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये लेंथ और ये लेंथ, x एक्सिस पे कितना है? a लेंथ है, और y एक्स ये क्या है? 0.0। ये क्या दिया हुआ? 0.b आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? b डिस्टेंस है। ये चीज क्लियर है? फिफ्थ कंडीशन क्लियर है कि पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेक इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस a एंड b रेस्पेक्टिवली, कि x एक्सिस पे ये a डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन से, और b पे कितना कर रहा है? ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस बी डिस्टेंस है। किसी को इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं मैं, अच्छा ये एंगल कितना होगा कोई बताएगा मेरे को? ये वाला एंगल कितना होता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एंगल कितना होगा? नहीं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दूं तो एक प्रॉपर्टी होती है, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो ये क्या बना होगा? डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितना है? 90।
इसका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, इसका सेंटर क्या बन जाएगा, ए बाई टू कोमा बी बाई टू। अभी किया था कि अल्फा कोमा बीटा क्या है, सेंटर, और जीरो कोमा जीरो से पास कर रहा है, इक्वेशन लिखी थी। तो सेम लॉजिक बन जाएगा क्या कि डायमीटर के, सॉरी ये तो डायमीटर के लिए एंड पॉइंट से कैलकुलेट कर लो, चाहे चाहे ए बाई टू कोमा बी बाई टू सेंटर दिया है और जीरो कोमा जीरो से डिस्टेंस वाला, वो लॉजिक लगा के कर लो, किसी भी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इक्वेशन बनानी है ए बाई टू बी बाई टू है तो इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। जो पिछली इक्वेशन थी उसमें सेम अल्फा कोमा बीटा की जगह ये वैल्यूज पुट की, आंसर आ गया। इन पांच स्पेशल केस में, और अगर सेंटर दिया रेडियस दिया तो इक्वेशन निकालना, अगर ये क्या आ गया एक दो तीन, तीन पॉइंट से पास होने वाला लॉजिक आ गया, क्लियर है। एक्स एक्सिस को टच करे, वाई एक्सिस को टच करे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन देखो, या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता कर लो। इस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका एक वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, जो सेंटर से क्या होगा, सेंटर पे पॉइंट होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, एक ये सर्कल बना हुआ है, इसकी रेडियस है आर, ठीक है, सेंटर दिया है अल्फा कोमा बीटा, या फिर मैं ऐसे ही वेरिएबल में ले लेता हूँ, ये ओ सेंटर है, ये एक पी सेंटर है, तो ओ पी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। अच्छा, यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है, इफ ओ पी इज ग्रेटर देन ओ क्यू, तो क्यू पॉइंट कहाँ पर होगा, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, अगर ओ क्यू डिस्टेंस रेडियस से कम है तो ये पॉइंट कहां पर होगा, इनसाइड, तो क्यू इज इनसाइड। अगर ये पूछा जाए कि पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, अगर मान लो एक नया पॉइंट दिया ए, ये यहां पर है, इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, तो ए इज ऑन सर्कल। एक नया पॉइंट दे दिया आर, इफ ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, देन आर इज आउटसाइड सर्कल, क्लियर है। ये लॉजिक क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी होती है सर्कल की, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। आपको इज इक्वल टू जीरो क्रिएट करने के बाद इसको डिनोट करना है एस से, क्या करना है, एस से डिनोट करना है। जो भी पॉइंट पूछा जाए, जिसके भी x1 कॉमा y1, चाहे r हो चाहे a हो चाहे q हो, आपको ये कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट कर देना है, इसको डिनोट कर देना है s1 से, क्या जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब इससे डिसाइड होगा कि पॉइंट कहां पर होगा, इफ s1 इज ग्रेटर देन 0, s1 इज इक्वल टू 0 और S1 is less than 0, greater than 0 मतलब outside, ये on the circle, और ये क्या जाएगा inside, इस part को बोलते हैं
पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, एक सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजिशन कहां पर है, कि वो अंदर होगा सर्कल के या सर्कल के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, या सर्कल से बाहर की तरफ होगा, ये इनसाइड या आउटसाइड का पार्ट, और इसकी सर्कमफेरेंस पे या पेरीमीटर पे पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा लाई ऑन द सर्कल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? है किसी को कोई डाउट? सर एस एंड एस वन की इक्वेशन से रिपीट करना, एस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो भी इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन थी ना, इज इक्वल टू जीरो वाले पार्ट को हटा दो, जो भी बचा हो उसको डिनोट करना है एस से। फिर जिस पॉइंट के लिए चेक करना है एक्स वन कॉमा वाई वन, चाहे वो कोई भी पॉइंट हो, चाहे क्यू हो, चाहे ए हो, चाहे आर हो, कोई भी पॉइंट दिया होगा, जैसे टू कॉमा थ्री दे दिया, चेक करना है कि वो कहां पर होगा। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली यहां पर पुट करने, इस इक्वेशन में। तो उसको मैंने नया डिनोट किया एस वन, क्योंकि एक्स वन वाई वन है, एक्स वन और वाई वन की जगह वैल्यूज पुट की, न्यूमेरिकली इसको चेक किया, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो पॉइंट होगा ये वाला एक्स वन वाई वन, आर को रिप्रेजेंट कर जाएगा बाहर की तरफ। अगर इक्वल आया तो सर्कल पे लाई करेगा, अगर लेस देन जीरो आया तो इनसाइड होगा। क्लियर है नकुल? चलो, सर्कल का आज सिर्फ इतना ही पार्ट, एनसीईआरटी में जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, इससे आगे भी अपन करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।